अब ये पूरा गहना हमरा हुआ। हम जब तक जिंदा हैं, भला ये गहना और कौन पहन सकता है? गहना रखने में हमारी मदद करो। चलो। हाँ दीदी। चंदा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? चंदा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी, हम ठीक हैं। अम्मा जी अचानक से बहुत तेज आंधी चले लागल, सब कुछ उधिया गई। माता बाबू के फोटो के माला भी उधिया गई। माता बाबू के फोटो बस गिरे वाला रहल, तो हम आके बचा ले ली। लेकिन चंदा, मौसम तो एकदम में साफ है, कहीं आंधी तूफान नहीं है। मुझे ऐसे कैसे हो सकते है? हम सच कहते हैं, तनिक देर पहले बहुत तेज आंधी चलत रहल, अब देखे ना, सब कुछ अपने आप उधिया गई। माता बापू के फोटो। चंदा, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। चंदा, हमको लगता है कि तुमको आराम की सख्त जरूरत है, और वैसे भी रात बहुत देर हो गई है। फोटो को रख दो और जाके सो जाओ, ठीक है? जी। चलो रानी। चंदा, तू हमारे साथ चला। दीदी, आप चलिए, हम थोड़ी देर में आवत हैं। ठीक है चंदा। माता रानी, ये कैसा चमत्कार है? माता बाबू की फोटो से माला हट गई, एकर का मतलब हो सकता है? एकर का मतलब बा? माता रानी, आप कोनो संकेत देते हैं का? माता रानी, आप ये समझावे की कोशिश करते हैं कि ये जो नया आदमी आयला वो हमार माता बाबू हवन? भैया, हमको तो विश्वास हो गया है, और जैसे हमको विश्वास हुआ है ना, हम सब लोग को विश्वास दिला देंगे कि आपे माधव भैया है। अब तनको चिंता मत कीजिए, कसम से कह रहे भैया जी, सबको विश्वास दिला देंगे कि आपे माधव भैया है। हे भगवान, अगर हमारे सबसे अच्छे दोस्त को विश्वास हो गया तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन सबको विश्वास हो जाएगा। अब ये पूरा गहना हमरा हुआ। हम जब तक जिंदा हैं, भला ये गहना और कौन पहन सकता है? हम कहते थे ना कि ये गहना पहन के हम चमकेंगे। वो बैंक वाला उस दिन क्या बोल रहा था कि करोड़ों का गहना है। हमरा ससुर ये गहना अपना पोता और उसकी पत्नी के लिए रखा था। उसको पते नहीं था कि यहाँ नीला देवी है, और नीला देवी के होते हुए एक गहना पर किसी और का कब्जा हो ये नहीं सकता है। वो तो अच्छा हुआ
कि माधव और चंदा का खेले खत्म हो गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया? हमरा पोल पट्टी तो नहीं खुल जाएगा? कौन है? हम है रानी दीदी। इतना रात को ऐसा कौन सा आफत आ गया जो सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी तुम? अब इतना रात हो गया है कि हमको आपके रूम में आने के लिए सोचना पड़ेगा। अरे हमरे कहने का मतलब था कि वैसे दीदी आप कर का रही थी। अपना नया गहना देख रहे थे सब? इतना सारा जेवर यहाँ रखे हैं दीदी। अरे चिंता की कोनो बात नहीं, हमरे कमरा में बिना हमरे अनुमति के कोई आता है का? हाँ ये बात तो है, किसी का हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे आ जाए। ये बात भी तुम ठीक के कह रही हो, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने में कोनो बुराई है का? हाँ दीदी, दीदी आगे का? आगे का? का मतलब आगे का? मतलब कि माधव को रास्ते से निकाल दी, चंदा आपके कब्जे में है, जेवर भी आपको मिल गया है, आगे का प्लानिंग है और हमरे लिए का निर्देश है? सबसे पहले तो इमातमी माहौल का खत्म होने का इंतजार, उसके बाद जब सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएगा तो चुपके से जाकर के सारा जेवर को बेच देंगे। सब जेवर बेच दीजिएगा? अरे नहीं रे पगली, थोड़ा बहुत रखेंगे लेकिन। किन दीदी, जो थोड़ा बहुत रखिएगा और कोई पहचान लिया तो, और मान लीजिए चंदा देखी हुई होगी तो फिर क्या कीजिएगा? ये बात तो तुम एकदम में सही कह रही हो रानी। अब एक ही रास्ता है हमारे पास कि वो गहना को तुड़वा करके हम दूसरा गहना बनवा लें, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। अब तो बस यही पता करना है हमको कि आखिर इतना सारा जेवर कौन खरीदेगा। दीदी एगो बात बोले। बोलो। इस सारा जेवर ना दूसरे शहर में जाके बेच दीजिए। वो काहे? काहे कि यहाँ पे तो सब आपको पहचानता है और जब से ही माधो का कांड हुआ है सबको पता है कि माधो का जेवर का एक बैग था जो लुटेरा लूट के ले गया है। अब इतना महंगा महंगा जेवर जाइएगा बेचने के लिए, किसी को शक नहीं हो जाएगा? और कोई जाके पुलिस को खबर कर दिया, अब पुलिस छानबीन करते हुए यहाँ पहुँच गया, आपको पकड़ लिया, आपके साथ साथ हम भी पकड़ा जाएंगे, और फिर कोई पुराना केस भी खुल गया तब फिर क्या होगा? बस कस कस कस। अरे तुम तुमको पगला के रख दी। वैसे तुम सही कह रही हो रानी, ये बात तुम सोच भी नहीं किए थे। और आप हमको मूर्ख बोलती हैं। अरे हमरी छुटकी, देखो तुमको जो मूर्ख समझेगा ना वो खुद ही मूर्ख रहेगा। अब तो खुश? हाँ दीदी। अब वो सब छोड़ो और गहना रखने में हमारी मदद करो। चलो हाँ दीदी। भैया जी हम तो पहचान लिए कि आप माधव भैया हैं, लेकिन और लोगों को विश्वास दिलाना होगा ना, खाली बचपन का कहानी सुना के काम नहीं चलेगा। दुनिया वाला को विश्वास दिलाने के लिए आपको सबूत देना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो श्याम, हमें अपनी पहचान साबित करनी होगी। कहें कि हमारे परिवार को हमारी जरूरत है, हमारी पत्नी चंदा को हमारी जरूरत है, हमारे बाबूजी को हमारी जरूरत है, कैसे भी हो हमें वहां जाना ही होगा, उनको मनाना होगा, जिससे वो लोग अपने दिल में हमें जगह दें। वो कैसे भैया जी, अगर वो लोग पुलिस बुला लिया तो क्या कीजिएगा? देखते हैं, अपनी पहचान साबित करने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। कल रात से ही हम कैसन दुविधा में फसल बानी माता रानी। ये जो आदमी आयल हवन,
हमार दिमाग एकदम चकरा रहल बा माता रानी, हमरा के रास्ता दिखाई। भाभी रुद्र भैया, चंदा ये आपके लिए। रुद्र भैया हमरा के कुछ भी खाए पिए का मन नहीं के, आप पी ली। चंदा भाभी तनी अपनी हालत तो देखी, जिसको जाना था वो तो चला गया, लेकिन अभी आपको जीना है और जीने के लिए अच्छा हेल्थ का होना जरूरी होता है भाभी। अब आप इस तरह कुछ खाइएगा नहीं पीजिएगा नहीं तो दिन पर दिन आपका हेल्थ और तो डाउन हो जाएगा। जरा आप सोचिए कि अगर माधव भैया आपका ये हालत में देखते तो क्या कहते, आप खुश होते हो? नहीं ना भाभी। रुद्र भैया हम क्या करें, माधव बाबू से पहले हम खाए का खबर ना सोचनी, जब हम खाए का सोचनी तब ये सोचनी कि हमारे माता बाबू खाए हो खेन की नाई, लेकिन लेकिन उनके बिना हम कैसे खा सकते, उनके बिना तो हमारे गला से एक को दाना नीचे ना उतरी। भाभी आप पर जो बीत रहा है ना हम समझ सकते हैं, पर इस तरह तो आप बीमार ना पड़ जाइएगा, ज्यादा ना सही, कुछ तो खाइए प्लीज भाभी। हमको आप माफ कर दीजिए, हम आपके साथ बहुत गलत किए थे, हमको आपके साथ वैसा नहीं करना चाहिए था। माधव भैया के गुजर जाने के बाद हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माधव भैया हमको माफ कर दे। अगर जीते जी माधव भैया से माफी मांग लेते तो आज हमको इतना पछतावा नहीं होता। रुद्र भैया कौनो बात नहीं के, कहते ना कि जब जाके तब वो सवेरा, माधव बाबू जहां कहीं भी हो के वो आपके जरूर माफ कर दिया। एक बात बोली रुद्र भैया, माधव बाबू के जाए के बाद ना आप ही घरे के बहुत अच्छा से संभाल ले है। अगर ये बात सच है ना भाभी तो प्लीज आप अपना हेल्थ संभालिए, प्लीज ये चाय पी लीजिए, हमारे लिए ना से माधव भैया के लिए प्लीज प्लीज भाभी। ठीक है रुद्र भैया आप इतना कहते तब हम चाय पी लेते हैं। भाभी ये बिस्कुट वो ले लीजिए ना, कहा ना कि खाली पेट में चाय नहीं पीना चाहिए, पेट में गैस बनने लगता है। इस बढ़ते हुए बाप की एक आखिरी इच्छा पूरा कर दो बेटा। चंदा से शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। बेटी माधव जी के बारे में सुनकर बड़ा दुखी हुआ। हमें तो पता भी नहीं था, एकदम से जवान लड़का और ऐसा हादसा। नियति का क्या कर सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप,
माधव के साथ जो हुआ आप पे क्या बीत रहा होगा हम समझ सकते हैं। हमारे बैंक में आपके बेटे माधव जी का एक अकाउंट था और उन्होंने अपना नॉमिनी आपको बनाया है, तो अब हम लोग उस अकाउंट को बंद करना चाहते हैं। उसके लिए आपका साइन चाहिए और उस अकाउंट का पासबुक चाहिए। पासबुक तो ढूंढना पड़ेगा लेकिन साइन कहाँ करना पड़ेगा? सर साइन तो यहाँ करना है लेकिन पासबुक की जरूरत पड़ेगी। या तो आप पासबुक किसी से भिजवा दीजिए या आप खुद लाके दे दीजिए। ठीक है हम देखते। चंदा बेटा जरा यहाँ आइए। जी बाबूजी। नीला के रूम में माधव का पासबुक है, जरा लेती आओगी? बाबूजी वो हम अम्मा जी के कमरे में कैसे जा सकते हैं? बेटा वो कहीं गई हुई है, घर पे नहीं है, इसलिए बेटा हम तुमको बोल रहे हैं। ठीक है बाबूजी हम लेके आवते हैं। क्या हुआ काजल? मौसी जी हम माधव भैया को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ माधव का तो हमको भी बहुत याद आता है, लेकिन मौसी जी ये बहुत अजीब बात नहीं है? वो आदमी का चेहरा माधव भैया से बिल्कुल नहीं मिलता है, और तो और हमारे परिवार के बारे में सब कुछ जानता है। आपसी रिश्तों के डिटेल के बारे में जिस तरीके से वो बताता है ऐसा लगता है वो सचमुच के माधव भैया है, लेकिन वो कोई बाहर का आदमी इतना कुछ तो नहीं बता पाएगा ना। हमको तो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है मौसी जी। आश्चर्य तो हमको भी बहुत हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुंह उठा के कोई भी बोल देगा कि वो माधव है तो हम लोग मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। रुद्र जी आप खामोशी, क्या बात हो रही है? अरे काजल माधव के बारे में सोच सोच के भावुक हो रही थी, और हम लोग ये बात कर रहे थे जो वो आदमी आया है अपने आप को माधव बोल रहा है, आखिर वो हम लोगों के बारे में इतना कुछ जानता कैसे है? एक बात समझ लो काजल, ऐसे दुखी माहौल में कोई भी आदमी किसी भी बात पर भावुक हो जाता है, और वो आदमी इसी स्थिति का फायदा उठा रहा है। उसको पता है कि थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के वो हम लोगों को चौंका देगा, जिससे हम लोग भावुक हो जाएंगे और कमजोर पड़ जाएंगे। तू कह से कि माधव भैया से बहुत प्यार करते हैं ना? अरे वो आदमी जो अपने आप को माधव भैया समझ रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है काजल, वो हम लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है, लेकिन हम लोग कोनो भावना में नहीं बहते। वो आदमी को जो हम पहली बार देखे थे ना तो हम समझ गए थे यू कोनो बहुरूपिया है, इसलिए हम तुमको कह रहे हैं काजल अपने मन में ऐसा विचार बिल्कुल ही मत लाओ कि वो माधव भैया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो माधव भैया हो ही नहीं सकता। क्या समझे? हम समझ गए मौसी जी। माधव भैया के जाने के बाद रोहते जी में कितना बदलाव आ गया है, हम भी नोटिस कर रहे हैं, बहुत बदल गया है। काश इनका बदला हुआ विनम्र स्वभाव माधव भैया भी देख पाते। हाँ काजल तुम एकदम ठीक कह रही हो। बाबू के पास वो कहाँ हो सकते?
पासबुक मिलते नहीं क्या? आप कहाँ खोजी? हमरा के तो डर लगा था कि कहीं अम्मा जी हमरा के डांटी नहीं। ये बैग, लेकिन ये बैग में तो अम्मा जी कह रहे हैं कि वृद्धाश्रम में देवे वाले कपड़ा, इनमें तो पासबुक ना हो सकते। लेकिन ये कमरा में कहीं और दिखात भी नहीं की, एक बार चेक कर लेगा।